जी डी एस स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि किसी भी लिक्विड यानी माया का वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं। तो किसी लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम मायरिंग सिलेंडर यानी पमैशी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो लैब के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ वॉल्यूम के सिलेंडर यानी मायरिंग सिलेंडर मौजूद होते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये आपके सामने जो छोटा सिलेंडर मायरिंग सिलेंडर नज़र आ रहा है, इसकी कैपेसिटी है 100 ml तक। इसी तरह ये दूसरा, अगर आपको मैं मायरिंग सिलेंडर दिखाऊं तो इसकी कैपेसिटी 250 ml तक। इसी तरह ये थर्ड मायरिंग सिलेंडर है, ये 500 वॉल्यूम तक की कैपेसिटी का वॉल्यूम देता है आपको। और ये जो बड़ा सिलेंडर है ये 1000 ml यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम तक पमैश करके आपको दे सकता है। जी डी एस स्टूडेंट, अब थोड़ा सा आपको इन मायरिंग सिलेंडर का क्लोज व्यू दिखाते हैं। तो आप अगर देखें तो ये सबसे छोटा जो मेरे हाथ में सिलेंडर है इस वक्त, पमैशी सिलेंडर है, इसके ऊपर आपको यहाँ से 0 ml से ऊपर, ये 10 ml से स्टार्ट हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100। ये 100 ml तक आपको दुरुस्त पमैश किसी भी वॉल्यूम की दे सकता है। इसी तरह अगर आपको मैं ये दूसरा सिलेंडर जो मेरे पास है, इसकी कैपेसिटी यहाँ से शुरू हो रही है 0 से लेके 250 ml, यानी कि ये 250 ml तक सही पमैश आपको दे सकता है। इसी तरह अगर मैं इससे बड़ा सिलेंडर जो 500 ml जिसकी कैपेसिटी है वो अगर आपको दिखाऊं तो ये नीचे से शुरू हो रहा है 0 से 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, ये 500, यहाँ पे आपको बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रहा होगा, यानी कि 500 ml तक का वॉल्यूम ये आपको पमैश करके दे सकता है। इस तरह ये मेरे पास 1 लीटर वाला है, यानी कि जो 1000 ml तक आपको ये सही पमैश देता है। और इस पर अगर आप देखें तो ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000 ml मीन यानी कि 1 लीटर तक ये आपको वाजह तौर पे सही पमैश दे सकता है। तो अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह एक कलरलेस जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं या कलर्ड जो सॉल्यूशन होते हैं उनका वॉल्यूम कैसे अपर और लोअर मेनिस्कस के ज़रिए हम मालूम करते हैं। आइए चलते हैं। जी डी एस स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने कलरलेस लिक्विड, मेरे पास पानी है और कलर लिक्विड KMnO4 यानी पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है। इन दोनों को लेके मैं आपको मायरिंग सिलेंडर के ज़रिए वॉल्यूम लेके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो कलरलेस लिक्विड होता है इसकी हमने लोअर मेनिस्कस यानी कि नीचे वाली सतह जो है वो नोट करनी होती है, और जो कलर्ड सॉल्यूशन होते हैं इनकी हमें अपर मेनिस्कस नोट करनी होती है मायरिंग सिलेंडर की। तो आइए सबसे पहले इसका वॉल्यूम करते हैं। तो ये मेरे पास पानी है, इसको मैं इसके मुंह के करीब ले जाकर इसमें आस्ता आस्ता ऐड करना शुरू कर दूंगा। ये आपने आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 250 ml लेना चाहता हूँ तो देखिएगा मैं कैसे इसको लूँगा। अब ये नोट कीजिएगा, आपके सामने इसकी ये अभी मेनिस्कस नज़र आ रही होगी, अभी थोड़ा सा लेवल इसका डाउन है वाटर का, मैं कुछ ड्रॉप्स और इसमें ऐड करूँगा। जी डी एस स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त 250 ml वाटर का जो मायरिंग सिलेंडर के ज़रिए वॉल्यूम मैंने ले लिया है, यहाँ पे आपको 250 की लाइन नज़र आ रही है, मैंने लोअर मेनिस्कस यहाँ पे नोट किया, आप देख सकते हैं वाज़ह तौर पे आपको नज़र आ रहा है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा जो हमारे पास कलर्ड सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लेते हैं। जी अब मेरे पास ये KMnO4 यानी पोटाशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन है, ये मैं 50 ml लेना चाहता हूँ। तो आप देखिए ये किस तरह इसका जो है ना वेट करेंगे, सॉरी वॉल्यूम इसका नोट करेंगे। ये आप गौर से देखिए, ये आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, अब बिल्कुल 50 ml एग्जैक्ट वॉल्यूम आपको यहाँ से
नज़र आ रहा है, ये इसकी अपर मेनिस्कस है इस कलर्ड सॉल्यूशन की, जो कि आपको वाजह तौर पे नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर देखें तो आपको 50 ml का ये जो साइन है, यहाँ पे जो लेवल है ग्रेजुएटेड सिलेंडर के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगर जाएंगे तो ये 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 60 तक चला जाएगा वॉल्यूम इसका। तो ये 50 एग्जैक्ट वॉल्यूम हो चुका। तो इस तरीके से आप किसी भी कलर लिक्विड का वॉल्यूम नोट कर सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए, और किसी भी कलर लेस जो लिक्विड है, माया है, उसका भी वॉल्यूम आप लोअर मेनिस्कस को नोट करके मालूम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और लैब के अंदर आप खुद किसी भी सॉल्यूशन का अपनी मर्जी से वॉल्यूम ले सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए। अगर ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि सबका तमाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रैक्टिकल और लेक्चर की वीडियो हासिल हो, तो इस मेरे प्रैक्टिकल वीडियो चैनल ऑफ साइंस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो अगली नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।